अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज आप लोग के लिए वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ तेल लेंगे और उसमें कुछ खड़े गरम मसाला डालें, ज़ीरा है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल दीजिए, जो नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ एक बड़े साइज का प्याज लेंगे कटा हुआ बारीक और उसे गोल्डन फ्राई होने तक ही पकाएंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। अब उसमें हम हरी मिर्ची, 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करेंगे बीच से काट कर, और उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का टमाटर को काट के उसमें डाल के 1-2 मिनट तक इसे भी भूनेंगे। अब हम यहाँ अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। गाजर, 1 गाजर है जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और ये बीन्स की फली है इसे भी काट के बारीक। अब यहाँ 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे। फिर यहाँ पे 1 आलू ऐड किया है मैंने, और हरी मटर है, इसे हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच फिर ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे हम ढककर पकाएंगे। मैंने यहाँ अपने टोप को चेंज किया है क्योंकि वो टोप थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने बड़ा टोप लिया है। अच्छे से भूनने के बाद मैं यहाँ पे बासमती राइस को भिगा के धो के रखी थी, अब उसे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। फिर यहाँ पे हम पानी, जो नाप से हमने चावल लिए थे उसी नाप से मैं पानी डालूँगी। 2 गिलास चावल थे मेरे, तो 2.5 गिलास पानी डालेंगे। अब इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक ही पकने देंगे, जब तक इसका पानी पूरा सूख नहीं जाता। अब यहाँ पे मेरा पानी सब सूख गया है चावलों का, इसे एक बार चेक कर लेंगे ऊपर नीचे करके। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और फ्राई किए हुए थोड़े से काजू हैं वो डालेंगे, और इसे फिर हम लो फ्लेम पे ढक कर 5 मिनट तक के छोड़ देंगे। ये हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार हो गया है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कमेंट में ज़रूर